याद रखना चीज को, किसी का घर तोड़ते जैसे तू कह रहा है बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, अरे बेशरम थोड़ा सा शर्म कर ले मेरे बच्चे। किसी के जीते जैसे अभी चलो किसी का पैदा हुआ ना उसी समय का बच्चा भी कहते हैं यार, तू 10 साल के बच्चों को 9-10 साल के गुलाम हजर के बच्चों को मेरे बच्चे कह रहा है, थोड़ी सी शर्म कर, थोड़ी इंसानियत तेरे अंदर बची है ना, मैं मर चुकी है तो कह नहीं सकते, थोड़ा सा शर्म कर ले। तू गुलाम हैदर जीता जाने का इंसान है, ये औरत इतना फ्रॉड करके वहां से आई है, उसके बच्चे को मेरे बच्चे कह रहा है। और कोर्ट ने गुलाम हैदर को परमिशन दी है भारत आने की, सबसे बड़ी बात। अभी अभी सूर्य वर्मा भाई ने कह भी दिया, जो लोग पूछ रहे थे गुलाम हैदर कब आ रहा है, गुलाम हैदर 1 जून को भारत आ रहा है, सुन लो कान खोल के, 1 जून को गुलाम हैदर भारत आ रहा है, 10 जून को गुलाम हैदर को कोर्ट में पेश होना है। और किसी न किसी माध्यम से गुलाम हैदर, सूर्य वर्मा भाई ने बोला था चैनल में आने के लिए, लेकिन वहां पर नेटवर्क का बहुत इशू होता जहां पे गुलाम हैदर भाई का है, वो अटक जाता उनका नेट बार बार। आपके और सराउंडिंग जी के वीडियो मुझे पसंद है, इसलिए आप दोनों को ही देखते। थैंक यू सो मच सिस्टर। देखो सराउंडिंग जी भी बहुत अच्छा अच्छी तरीके से अपनी बात को रखती है, शालीनता से सभ्यता से, क्योंकि पढ़े लिखे हैं पत्रकार हैं, और वो कभी उनके वीडियो में गंदे शब्दों का आपने इस्तेमाल नहीं देखा, अपने बात को बहुत अच्छे से रखती हूँ और उनकी बात पहुंचती भी है ऊपर तक, वो एक जर्नलिस्ट है, वो चीज है उनके अंदर, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं श्रावणी जी के चैनल पे भी गई थी एक बार, बुलाया था उन्होंने, तो ऐसे लोग क्योंकि अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए मुझे नहीं लगता है गाली गलौज अनसन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, अपनी आवाज को अच्छे तरीके से भी हम पहुंचा सकते हैं, एक शालीनता से भी रख सकते हैं। मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं ये नहीं देखती मैं कहाँ हूँ क्या हूँ कैसे काम, देखो भूतों का जैसा सर हो रहा मेरे, बाल भी नहीं बनाया शाम के टाइम। तुम गुलाम हैदर भाई को मैंने देखा बेचारा, बड़ा उससे कह रहा था कि मैं भारत जाऊंगा, मुझे भारत के लोगों पर भरोसा है। और अगर गुलाम हैदर के सपोर्ट में हम बोल रहे हैं, ये खुजली जो मिटाने की बात कर रहा ना बेटा, अपनी मम्मी और अपनी बहन को मेरे आगे रखना, फिर मैं बताऊंगी बाबू, उनसे बात करूंगी, क्योंकि महिलाओं से ही बात करती हूँ मैं, तुम जैसे गंदे लोगों से नहीं करती हूँ। जो तूने अभी कमेंट किया ना, बुरा नहीं लगा मुझे, क्योंकि तुम्हारी जो पैदाइश है बेटा, मम्मी ने जब सिखाया नहीं तो तुम क्या कर सकते, तुम्हारी थोड़ी ना गलती है। मेरा रिप्लाई नहीं दोगी मैं, क्या लिखा हुआ है इसी भाई, अपने आग्रह के क्या है? हेलो, और कुछ बताओ बहन अपने बारे में, अपने बारे में सिर्फ भाई, सिर्फ भाई मैं एक छोटी से गांव से हूँ, मेरी सारी मैंने अपने बारे में टोटली बताया, अगर आप मेरे बारे में भाई क्या कर रही है, मैं अभी बताती हूँ अपने बारे में, कुछ मिनट मैं एक छोटे से उत्तराखंड से हूँ जिसे देवभूमि कहते देता हूँ, मेरे सारे जीवन से रिलेटेड ना वीडियो इसमें पड़े हैं चैनल पे सारे, मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखना, मैंने पूरी अपनी हिस्ट्री डाली है इसमें, और कोई भी चीज छुपा नहीं है मेरे जीवन का, इसमें सब कुछ डाला मैंने स्टार्टिंग में, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मैं साधारण सी एक घरेलू औरत हूँ, सामाजिक फील्ड से जुड़ी हूँ, राजनीति में से पहले मैं चुनाव लड़ी थी, जब मैं 19 साल की उम्र में मैंने क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा था, उससे पहले मैं टीचर थी, इंटर पास करते ही मेरी जॉब लग गई थी यूपी में, जो ये शिक्षा मित्र के अंतर्गत, तो पहले मैं आरएसएस विद्यालय में थी, फिर वहीं से मेरा शिक्षा मित्र के तहत गवर्नमेंट स्कूल में चयन हो गया था, और फिर मुझे वहां का पानी भी सूट नहीं हुआ यूपी का, और मुझे इलेक्शन के लिए खड़ा कर दिया गया मेरे गांव से, और उस समय मेरी एज केवल 19 साल थी,